गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। वंस अगेन, जैसा हम जानते हैं आपकी विंटर ब्रेक से फिर से एक्सटेंड हो गई है, क्योंकि लास्ट में जो हमारी लास्ट की जो विंटर ब्रेक हुई थी स्टूडेंट्स, वो ओनली 22 जनवरी तक थी। और जैसा हम सभी जानते हैं कि लास्ट यानी लास्ट जो डे निकला है, दैट मीन्स ट्यूसडे में आपका स्कूल अगेन रीओपन हुए थे, बट वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन के कारण आपके स्कूल वंस अगेन 28 जनवरी तक अगेन क्लोज कर दिए गए हैं। और क्योंकि स्कूल क्लोज है और हमारा हम सभी का जो है सिलेबस पेंडिंग भी है, इसके लिए उस पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कराने के लिए आपके ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट की गई है। तो जैसा हम जानते हैं, लास्ट ऑनलाइन क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करा चुके हैं, तो आज जो है हम आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके जो कुछ पार्ट से हमने ऑफलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लास में कल कंप्लीट कर दिए थे, तो आज जो है हम आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपकी बेस है ग्रोथ और डेप्रिसिएशन पर। ओके स्टूडेंट्स, जैसा यहाँ पर देखा जाए बच्चों, ग्रोथ ग्रोथ मीन्स क्या होता है? वृद्धि। जैसे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करी जाए, ग्रोथ क्या होती है? अब किसी टाउन की पॉपुलेशन स्टूडेंट्स हर साल जो है वो 5% के रेट से बढ़ती है, तो हमसे आस्क करा गया कि 3 ईयर्स के बाद इस सिटी या इस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। तो याद रखिएगा, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रीवियस ईयर वाला जो हमारा इंटरेस्ट था उसको 1/1 कैलकुलेट करके प्लस कर रहे थे, देन आफ्टर जो हमारा न्यू प्रिंसिपल आ रहा था उसको उसमें प्लस कर रहे थे। इसी तरह से जो हमारी किसी भी टाउन की पॉपुलेशन होती है वो भी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कोई आर्टिकल है, या सपोज करें कोई मोटरसाइकिल के ही एग्जांपल ले लीजिए, किसी मोटरसाइकिल के प्राइस में हर साल 5% की इंक्रीज होता है, मतलब ग्रोथ होती है, बढ़ती है, तो हमसे ये आस्क करा गया कि हम उसकी मोटरसाइकिल की कॉस्ट 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी। तो जैसे एग्जांपल देखा जाए, अगर सपोज करो किसी बाइक की इस समय कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है, तो बच्चों सेकंड फर्स्ट ईयर के बाद उसकी कॉस्ट कुछ और हुई, जो इंक्रीज हुआ उसमें उसको प्लस कर देंगे, फिर सेकंड ईयर के लिए वो जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करती है, यूजफुल होती है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है स्टूडेंट्स, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1+r/100 की होल पावर t रीड कर रहे थे, लेकिन अब जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम क्वेश्चन फॉर्मूले में करेक्शन कर देंगे और इन के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे देखा जाए ग्रोथ की बात करें यहाँ पर, तो जो ग्रोथ होगी, अब यहाँ पर ग्रोथ का मतलब हो गया बढ़ना, ठीक है। तो जैसे हम लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में हम अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जो हमारी वैल्यू होगी वो पी हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू को हम पी जीरो इसको हम पी नॉट भी रीड करते हैं। पी जीरो रेट आप जानते हैं और टाइम भी आप जानते हैं, तो अगर ग्रोथ हो रही है हमारी, मतलब किसी के प्राइस में या किसी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे p = p0(1+r/100)t, ठीक है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है स्टूडेंट अवमूल्य, मतलब किसी भी आर्टिकल या किसी भी मटेरियल की कॉस्ट में कमी होना, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन हो रहा होता है तो बस कुछ फॉर्मूला यही सेम रहता है स्टूडेंट,
बस क्या हो जाता है, प्लस को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस से। यानी ग्रोथ होगी तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और डेप्रिसिएशन मीन्स प्राइस में कमी आ रही होगी तो हम यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। इन फॉर्मूलेज को हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बहुत इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो नाउ वी मूव ऑन एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो जब आप एक्सरसाइज 10.4 करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये फॉर्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला नोट करना है, देन आफ्टर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4375। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू 4375 इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट, एक गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 4375 है, अगर ये हर साल 8% पर एनम के रेट से इंक्रीज होती है, इंक्रीज का मतलब बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब ग्रोथ कर रही है, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमें इसके 2 ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज जो है वो 4375 है, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, इंक्रीज का मतलब ग्रोथ कर रही है स्टूडेंट, तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम हो गया, और टाइम टी इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 ईयर्स। हमें क्या निकालनी है, 2 ईयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन निकालनी है, दैट मीन्स पी की वैल्यू निकालनी है, पी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट क्या P इक्वल टू पी जीरो ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी। तो यहां से स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, हम पी जीरो की वैल्यू है हमारे पास 4375, 1 प्लस आर है 8 अपॉन 100 की होल पावर टी, टी मीन्स 2। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल करने का प्रोसीजर वही है जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर रहे थे, बस फॉर्मूले में वेरिएबल्स हमारे चेंज हो गए। सॉर्ट आउट करें, 4 2 जाए 8 4 5 जाए 20, दैट मीन्स 4375 × 25 × 25 × 27 / 25 2। कर रहे हम तो यहां से देखा जाए 2 times मल्टीप्लाई कर दी स्टूडेंट्स, तो 4375 × 27 / 25 × 27 / 25, ठीक है। अब यहां से स्टूडेंट्स हम इसको 2 times एक्सपेंड कर दिया, अब डिवाइड करें, तो यहां से देखिए 5 × 25 5 × 40 5 × 25 5 × 25, अगेन डिवाइड करें 5 × 5 5 × 25 5 × 25 5 × 25 डिवाइड करेंगे हम तो 25 × 75। ओके स्टूडेंट्स, तो बचा क्या हमारे पास 7 × 27 × 27, और यहां से जब स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 27 × 27 × 7, तो हमारे पास पॉपुलेशन आएगी आपकी 5103। यानी स्टूडेंट्स जो हमारी विलेज है,
जिसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 4375 है, उसके 8% पर एनम की ग्रोथ रेट से 2 ईयर्स के बाद जो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5103 हो जाएगी। ओके, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 12%। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,56,800, what it was 2 years ago। क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट, एक टाउन की जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, एनुअल रेट जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का, वो 12% है। आगे इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,56,800, अगर इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 1,56,800 हो तो व्हाट इट वाज 2 ईयर्स एगो, तब इसकी 2 साल पहले, एगो मतलब पहले, 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, ये आस्क करा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों, सो ग्रोथ रेट है हमारी 12% है, प्रेजेंट पॉपुलेशन पी टाउन हमें गिवन है 1,56,800 और जो हमें पॉपुलेशन बतानी है वो 2 ईयर्स एगो बतानी है। 2 ईयर्स एगो का मतलब 2 साल पहले की, और जब स्टूडेंट्स हमें 2 साल पहले की बतानी है तो हम यहाँ पर पी की वैल्यू जो है वो -2 लेंगे, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें पहले की बतानी है, बाद की नहीं बतानी। अगर बाद की बतानी होती तो अब हम पी की वैल्यू पॉजिटिव लेते, लेकिन यहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो माइनस पहले की पूछी है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन हासिल करी गई है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 ईयर्स। ओके, तो हमें बतानी क्या है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 ईयर्स पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी। ओके, फॉर्मूला यूज कर लें, वी नो दैट, क्या जानते हैं, P इक्वल टू P0 ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 3। वैल्यू पुट कर दीजिए, P0 है मेरे पास 1,5,6,8,0,0, 1 प्लस R 12 अपॉन 100 की होल पावर -2। ठीक है, सॉर्ट आउट करें इसे, तो स्टूडेंट्स 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, बचा कितना हमारे पास 1,56,800, 25 5 25 25 3 28 अपॉन 25 की पावर -2। हमारे पास टी की वैल्यू जो है हमने वो माइनस में पुट की है स्टूडेंट, और एक्सपोनेंट्स वाले टॉपिक में भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर माइनस में होती है तो हम उसको पावर्स को क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसे एक्सपेंड करते हैं, और किसी भी एक्सपोनेंट की पावर को प्लस में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया 1,56,800 इंटू 25 अपॉन 28 की पावर 2। ओके स्टूडेंट, सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा 1,56,800, 2 times एक्सपेंड कर दीजिए, 25 अपॉन 28 इंटू 25 अपॉन 28। ओके, डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 4 7 28 और 4 3 12, 3 बचे स्टूडेंट्स, 4 9 36, 4 2 8 0 0, अगेन 4 से 8, 4 7 28 और 4 9 36, 3 बचे हमारे स्टूडेंट्स, 32, 4 8 32, 0 0, 7 से डिवाइड कर दें, 7 5 7 7, 4 4 28, 0 0 और 7 2 4 14, 0 0, यहाँ से आया 200 × 25 × 25, मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स,
तो यहाँ से 200 × 35 × 35 = 625 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 ओके एट 20 यानी स्टूडेंट्स 2 years बिफोर जो टाउन था उसकी पॉपुलेशन कितनी थी हमारी 125,000 पॉपुलेशन थी हमारी ओके नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 Now friends, question number 3 is the population of a village is 8,125. If the annual birth rate is 7% and death rate is 3%, calculate the population after 2 years. Question में कहा गया है एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 8,125 पॉपुलेशन गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन वो 8,125 है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन में हमने लैंड कर दी पी नॉट इक्वल टू 8125 फिर आगे क्या था अगर बर्थ रेट 7% और डेथ रेट 3% बर्थ रेट 7% और डेथ रेट 3% तो कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years तो हमें 2 years के बाद पॉपुलेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट ठीक है अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी देखते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है बर्थ रेट का मतलब हो गया बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना यानी हर साल जो है 7% पॉपुलेशन बढ़ती है बर्थ रेट का मतलब कह सकते हैं वैसे जन्म दर होता है मतलब इतने बच्चे जन्म लेते हैं 7% जन्म लेने से मतलब ये भी कहा जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है बच्चों यानी रेट ऑफ ग्रोथ जो है जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है हर साल 7% बढ़ जाती है और डेथ रेट का मतलब उसमें से हर साल 3% जो है मर जाते हैं किसी रीजन से हो सकता है हाँ नॉर्मली होती है या किसी डिजीज के कारण कुछ लोग डेथ भी हो जाती है कुछ लोगों की तो 7% बढ़ रही है बट इसमें से 3% कम भी हो रही है तो देखा जाए बच्चों तो कौन सा रेट ज्यादा है बर्थ रेट ज्यादा है यानी रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है यानी 7% बढ़ रही है और 3% कम हो रही है तो बच्चों रिजल्टेंट जो होगा जो रिजल्ट रेट आएगा वो ग्रोथ में आएगा तो बच्चों कितनी बढ़ी 7% बढ़ रही थी 3% उसमें से कम हो गई तो बची कितनी 4% यानी हर साल जो है विलेज की टेक पॉपुलेशन जो है वो 4% बढ़ रही है तो यहां से रेट ऑफ ग्रोथ हम 7% के से माइनस कर दे रहे हैं 3% दैट मींस आ गई 4% और बतानी कितने टाइम के बाद स्टूडेंट्स 2 इयर्स के बाद यानी टाइम जो आ गया मेरे पास टी वो आ गया 2 years दो साल के बाद बतानी तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम वी नो दैट क्या जानते हैं हम P = P0(1+R/100)^T वैल्यू पुट कर देंगे आप P0 की वैल्यू आपके पास है R की वैल्यू 4% है और T आपका 2 इयर्स है तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगी वो आपके 2 इयर्स के बाद पॉपुलेशन आ जाएगी तो इसके आगे का प्रोसीजर आप होमवर्क से सॉल्व करेंगे नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 And question number 4 is the population of a town was 150,000 3 years ago. It increases by 2%, 5%, and 8% in the last 3 years. What is the present population of the town? Question में कहा गया है student, एक town की 3 साल पहले जो population थी वो 150,000 थी. 3 साल पहले एक टाउन की पॉपुलेशन 150,000 थी
इट इंक्रीजेस बाय 2%, 5% एंड 8% इन द लास्ट 3 ईयर्स। ये पिछले 3 सालों में 2%, 5% और 8% बढ़ती है। इसमें आस्क करा है, व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। हमसे प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन की आस्क करी गई है। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन की बात करी जाए, हमें जो पॉपुलेशन दी गई है वो 3 ईयर्स बिफोर दी गई है, 3 साल पहले, और 3 साल पहले के बाद जो है हमें ये पूछा है कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने फॉर्मूले में बताया था कि पी ज़ीरो जो होता है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है। अब ये नहीं हो, रेक्टिफिकेशन नहीं होल करना है, ये नहीं होना चाहिए कि बोले पी ज़ीरो है तो बोले प्रेजेंट पॉपुलेशन ही लेंगे या प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पी ज़ीरो जो होता है क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। हमसे कहा था कि 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, तो हमें प्रेजेंट नहीं बतानी इस समय कितनी है 3 साल के बाद। तो बच्चों ये हम लैंड करते हैं क्योंकि 3 साल के बाद की बतानी है, तो हम इसमें पी ज़ीरो की वैल्यू लैंड करते हैं, बन गए 50,000। मतलब ये मान ले रहे हैं कि इस समय जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 1,50,000 है। इस साल 2% बढ़ती है, इसके बाद 5% बढ़ेगी, इसके बाद 8% बढ़ती है, तो हमें 3 साल के बाद की बतानी। एक तरह से ये भी डिसाइड किया जा सकता है। तो यहाँ से बात कर ले स्टूडेंट्स, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, P इज इक्वल टू पी जीरो ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर टी। ओके, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ हर साल के लिए अलग अलग है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर डिफरेंट 3 ईयर्स और देखेंगे। तो P इक्वल टू पी जीरो ब्रैकेट 1 प्लस आर 1 अपॉन 100, 1 प्लस आर 2 अपॉन 100 प्लस 1 प्लस आर 3 अपॉन 100। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। P जीरो हमारा 1,50,000 हो गया, 1 प्लस 2 अपॉन 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100 और 1 प्लस 8 अपॉन 100। और शायद स्टूडेंट्स हमने इसी टाइप की सेम कंडीशन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके साथ डिस्कस की थी। कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इनको कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ आपकी मैं। 2 1 2 2 5 10 0 0 0, 5 1 5 5 2 10 0 0, 4 2 4 5 20। तो बचा कितना मेरे पास, 1,50,000 इंटू 50 1 50 50 and 1 51 upon 50 इंटू 21 20 21 upon 20 25 25 25 and 2 27 upon 25। आप जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आपकी क्या हो जाएगी, उस टाउन की 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन होगी, दैट मीन्स प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये इसका आगे का प्रोसीजर आप होमवर्क से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आपका स्किप करा रहे हैं फ्रेंड्स, आप सेल्फ में प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7।